अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवानी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवानी जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज तारीख 8 अप्रैल 2024 के रोज परवानी के शनिवार बाजार स्थित कांग्रेस के कांग्रेस भवन में इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय कांग्रेस आय के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, अघाड़ी के लोकसभा उम्मीदवार संजय उर्फ बंडू जाधव, राम भाऊ घाड़गे, खदीर लाला हाशमी, सत्तार इनामदार, कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मिनाजुद्दीन खादरी, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, कांग्रेस आय के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, अतीकुर रहमान, गुलमीर खान, विकार अहमद खान, शकील मोहियुद्दीन, विशाल बुधवन, सुनील देशमुख, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस समय मौजूद। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बागेश्वर धाम बाबा इनके अभद्रता संबंध में औपचारिक शिकायत परवानी के नानलपेट पुलिस थाने में की गई है। इस मामले में हाफिज सैयद मोहतसिम सैयद महबूब इन्होंने नानलपेट पुलिस थाने में जाकर शिकायत की है कि 4 अप्रैल 2024 के रोज बागेश्वर धाम में हुई अभद्रता की एक घटना के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज करते हुए उन्होंने कहा है कि घटना में शामिल व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, जिसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के प्रति अपमानजनक और दृढ़ व्यवहारिक प्रदर्शित किया है, नाम की तुलना बजरंग बली पिता से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अनादर के रूप में की गई है। समुदाय के एक सदस्य के रूप में मेरा मानना है कि यह महत्वपूर्ण सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई को बनाए रखने के लिए और तरह के व्यवहार को संबोधित करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के कार्य को न केवल अपमानजनक थे बल्कि हमारे समाज की शांति और समृद्धि के लिए संभ्रमित रूप से हानिकारक है। तहत इस मामले को लेकर मामले की गहनता की जांच करें और कानूनी अनुसार उचित कार्रवाई करें। ऐसी जांच की सहायता करने के लिए आवश्यक जानकारी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हूं, ऐसी दिए गए अर्जी में कहा गया है। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदर, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क प्रमुख परभनी। चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक, आप तमाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक जाकिर अहमद खान, जाकिर लाला, जिला महानगर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस और अली खान मित्र मंडल परभनी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक गुलमीर खान, स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु, मैं गुलमीर खान, परभनी शहर महानगर पालिका परभनी स्थायी समिति सभापति। सभी को मैं रमजान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रमजान ईद और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर ऑफिस में शांतता समिति की बैठक संपन्न हुई। पवित्र रमजान ईद और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर उसी तरह आने वाले अन्य त्योहारों को लेकर आज तारीख 8 अप्रैल 2024 सोमवार के रोज शाम 5:30 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति के हॉल में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी अध्यक्षता में शांतता समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के लिए परवानी जिले के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी यशवंत काले, निवासी उप जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी, मनपा आयुक्त तृप्ति साणभोर, जिला सर्जन नागेश लखमावार, आरटीओ अधिकारी अश्विनी स्वामी के तीनों पुलिस थानों के पीआई और जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी, शांतता समिति के सदस्य बड़ी संख्या में इस समय हाजिर थे। इस समय शांतता समिति के सदस्यों ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए अपने अपने विचारों को सामने रखते हुए कहा है कि ये ईद के त्यौहार में यहाँ जिस तरीके से बाज़ार खुला रहता है, रात भर बाज़ार खुला रहने की वजह से यहाँ पर खरीदी की जा सकती है, लेकिन कुछ वजह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हुए 12 से 1 बजे तक ही ये बाज़ार को खुला रख रहा है और बंद कर दे रहा है, जबकि हैदराबाद और बॉम्बे में पूरी तरीके से रात भर पूरा बाज़ार खुला रहता है, जिसकी वजह से खरीदी और आसानी से यहाँ पर खरीद फरोख्त की और दुकानदारों की भी दुकान की कारोबार में तरक्की होती है। इस बात को लेकर इस पर अवगत कराते हुए शांतता समिति के सदस्यों ने इस बात को जोर पकड़ते हुए कहा कि रात के समय का समय बढ़ाकर दिया जाए ताकि दुकानदारों की दुकानें के और ग्राहकों को खरीदी करने के लिए वक्त मिले। कि जो ईद का जो बाजार लगता है वो बाजार में क्राउड थोड़ा ज्यादा होता है और उसके लिए टाइम चाहिए हम लोगों को, अक्सर हमेशा रमजान में 15 दिन से पुलिस जो टाइम दी थी, अभी 12 बजे पूरा मार्केट बंद हो रहा, अभी 2 दिन अगर जो पूरा फुल डे टाइम मिलता और उसी के साथ बाजार के अंदर कुछ चोर आते सर, एक पुलिस के 10-20 लोग बाजार के अंदर बिठा के रखे, जैसा कोई चोर पकड़े गए पुलिस के हैंडओवर कर सकते,
बाकी इंशाल्लाह ऐसा कोई चीज शहर के अंदर नहीं होंगी, सभी त्यौहार अमीनों को सुकून से गुजरेंगे। ईद है 11 तारखेला, 8-9-10 तीनच दिवस बाकी आहे। ईद निमित्त जे साहित्य खरेदी करावं लागतं मुस्लिम समुदायाला, ते रात्री खरेदी करतात। प्रामुख्याने दिवसभराचा उपवास असतो, प्रचंड गर्मी, त्यानंतर महिलांना खरेदीला बाहेर निघायचं तर घरी स्वयंपाक करावा लागतो 10 वाजेपर्यंत, आणि 10:30 ते 11 पर्यंत तराबीची नमाज चालू असते, त्यामुळे नाईलाजाना 11 च्या नंतर बाहेर पडावं लागतं। हे आत्ताच नाही, हे नेहमीच आहे। आतापर्यंत प्रशासनानं 2 वाजेपर्यंत 3 वाजेपर्यंत त्या दुकानांना परवानगी द्यावी, जेणेकरून त्यांना साहित्य खरेदी करणं हे सुलभ होईल, आणि ज्याच्यापुढे सुद्धा समुदायानं शांततेच्या मार्गातूनच ही खरेदी झालेली आहे। या संदर्भात जरा पोलीस प्रशासनानं आणि महसूल प्रशासनानं सहकार्य करावं अशी सगळ्या समाजाची भावना आहे। हे मला माहित आहे, मी हिंदू असून माझ्या देशमुखलीच्या बाजूलाच तो बाजार भरतो, फार काही मोठा नाही, ग्रॅब कॉर्नर कृषीवाजी चौक असा छोटा परिसर आहे, अत्यंत 1/2 किलोमीटरचा सुद्धा नसेल, एक छोटा परिसर आहे, छोट्या परिसरात तो बाजार भरतो। तर तिथं प्रशासनानं सहकार्य केलं तर तात्काळ त्यांची ती सोय होईल, तर सोय व्हावी या दृष्टिकोनातून थोडस प्रशासकीय नियम थोडेसे बाजूला सारावे लागले तरीही एक समाजाची सोय आणि शांततेसाठी आपण प्रशासनानं ती दुकानांची वेळ वाढवून द्यावी। उद्यापासून गुढीपाडवा, रमजान ईद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव, रामनवमी अशी सणांची मालिका सुरू होत आहे। या सर्व सणांना उत्साहात आणि जोशपूर्ण साजरा करण्यासाठी पोलीस प्रशासन हे सज्ज आहे, आणि आमची पूर्ण बंदोबस्ताची आखणी झालेली आहे, आणि प्रत्येक ठिकाणी आमचा पोलीस उपस्थित असणार आहे, आणि सर्व उत्सव सर्व सण शांततेत आणि चांगल्या पद्धतीने पार पडेल याची आम्ही दक्षता घेत आहोत। त्याच्या अनुषंगाने आज परभणी येथे शांतता कमिटीची बैठक पार पडली। यामध्ये माननीय पोलीस अधीक्षक, जिल्ह्यातले सर्व वरिष्ठ अधिकारी, जिल्ह्यातले सर्व नागरिक, शांतता कमिटी सदस्य उपस्थित होते। या ठिकाणी वेगळ्या नागरिकांनी काही मुद्दे मांडले, त्या अनुषंगाने आपण त्या त्या विभागांना खड्डे भरण्याची कारवाई असेल, ड्राय डे डिक्लेअर करण्याचा असेल, लाईट लावणे, साफसफाई करणे यासंबंधी सूचना दिलेल्या आहेत। एकूणच सर्व विभागांनी चांगला रिस्पॉन्ड केलेला आहे, आणि येणारे हे रमजान ईद आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अतिशय चांगल्या पद्धतीने साजरी करण्यासाठी सर्व तयारी झालेली आहे, आणि यासाठी मी सर्व संबंधितांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक परभनी। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तमाम नागरिकों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान हुसैनी, भावी नगर सेवक परभनी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल परभनी। आज तारीख 8 अप्रैल 2024 सोमवार के रोज चुनाव निर्णय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी उपस्थिति में आज आखिरी दिन नाम वापस लेने की प्रक्रिया में 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं, जिसमें जय श्री उद्धव जाधव, एडवोकेट डॉक्टर यशवंत रामभाव कस्बे, अर्चना दिनकर गायकवाड़, निहाल अहमद कौसड़ीकर, बाबा साहेब भुजंगराव उगले, विठल तळेकर, हरिभाऊ चांदोजी शेळके, इनकी ये शामिल रहते हुए अब इन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेने पर अब 34 उम्मीदवार प्रावी परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अब खड़े हुए हैं। 17वें परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार नाम निर्देशन अर्ज वापस लेने के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं, जिससे अब 34 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इससे अब वोटों की गिनती को लेकर यहां पर जमा उतार उसी तरह से कम ज़्यादा के मामले को लेकर गणितों का आंकड़े अभी से निश्चित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपनी निशानी मशाल, सिटी, प्रेशर कुकर, रोड रूलर, हत्थी, इन निशानों को मिलने के कारण अब यहाँ पर इसमें नेशनल, जिस तरह परभणी पत्रावे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्ष कमल, पंजा, धनुष्य बाण, घड़ी, ऐसे जो सिंबल है वो चुनाव के ईवीएम मशीन पर नहीं दिखाई देंगे। प्रचार में ये सिंबल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। नए सिंबल के तहत उम्मीदवार अब इस मैदान में उतरते हुए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
8 अप्रैल के रोज चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाजिरी में सिंबल अपने अपने तरीके से चुनाव में घोषित किए गए हैं। जिस तरीके से 7 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है उसमें जयश्री उद्धव जाधव, एडवोकेट डॉक्टर यशवंत राम भाव कस्बे, अर्चना दिनकर गायकवाड़, निहाल अहमद कोसड़ीकर, बाबा साहेब भुजंगराव उगले, विठल तळेकर, हरिभाऊ चांदोजी शेळके, इन 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लेने के कारण अब 34 उम्मीदवार इस चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, जिसमें सिंबल के तहत उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ की तरफ से सांसद संजय जाधव इन्हें मशाल के तौर पर इन्हें सिंबल मिला हुआ है, तो महायुति के महादेव जानकर इन्हें सिटी निशानी मिली हुई है। ये सिटी निशानी से ये अपनी उम्मीदवारी लड़ा रहे हैं। वंचित के पंजाब डक इन्हें रोड रूलर मिला है, तो बसपा के आलमगीर खान इन्हें हत्ती निशानी मिली है। आज़ाद उम्मीदवार समीर गणेश दुधगांवकर इन्हें प्रेशर कुकर ये निशानी से लड़ रहे हैं। उसी तरह से SDPI के उम्मीदवार सैयद इरशाद अली इन्हें टैटू निशानी मिली है, टैटू सिंबल पर ये अपनी उम्मीदवारी लड़ा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवार जिसमें भाकप के कांग्रेस राजन सिरसागर, सुभाष दावड़े, गणपत भिसे, शेख सलीम शेख इब्राहिम, ऑल इंडिया मजलिस से इनकलाबे मिल्लत इस पार्टी से उम्मीदवारी अपनी दाखिल किए हुए हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा मोइनुद्दीन शेख, सैयद अब्दुल सत्तार, अम्बेडकर समाज पार्टी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका उम्मीदवारों की रहेंगी। आज तारीख 8 अप्रैल 2024 सोमवार के रोज नामांकन वापस लेने के बाद जो चुनाव के सिंबल मिले हैं उसको लेते हुए आप आज 9 तारीख से इन उम्मीदवारों की अब धूमधाम मस्ती हुई नजर आएगी। सिंबल के साथ निशानियों को लेकर ये इनके प्रचार यंत्रणा जो रुकी हुई थी वो अब जोर शोर से बढ़ सकती है। इसमें सभाएँ रैलियाँ बड़े पैमाने पर किए जाएंगी। उम्मीदवारों के संख्या को ध्यान में रखते हुए अब इन उम्मीदवारों के कारण कौन से उम्मीदवार को इसका हमायदा भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर्वांना नमस्कार। नवीन वर्ष आपलं हिंदू धर्मामध्ये गुढीपाडव्याला सुरू होतं। आज गुढीपाडवा, त्यानिमित्त सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप अनंत शुभेच्छा देण्यासाठी मी ही संधी घेतो। आपण हिंदू संस्कृतीमध्ये सर्वोच्च ग्रंथ मानला जातो श्रीमद भगवद्गीता, आणि त्या आधारावर जर आपण जगण्याचा प्रयत्न केला तर आपलं आयुष्य सुखी होऊ शकतं। माझा त्या ग्रंथाचा अभ्यास 21 वर्षांपासून आहे। मला हे कायम जाणवतं की त्यातले अनेक श्लोक आपण इग्नोर करतो किंवा त्याच्याकडे कानाडोळा करतो, म्हणून अनेकांना तब्येतीच्या अडचणी व्हायला लागलेल्या आहेत, तब्येत बिघडत आहेत, घरातल्या अडचणी आहेत, समाजातल्या अडचणी या वाढत चाललेल्या आहेत। त्यामुळे मी परत एकदा आठवण देऊ इच्छितो सर्वांना की हे आयुष्य सोपं आहे जर तुम्ही योग्य मार्गदर्शन घेतलं तर, आणि ते मार्गदर्शन आपल्याला हिंदू धर्माच्या श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये मिळतं। सारांश जर सांगायचं झालं तर बॅलन्स लाईफ जर असेल तर माणसाची सगळी दुःख कमी होतं, असा एक श्लोक आहे। अजून एक श्लोक सांगतो, पैसा पैसा करणारे लोक अक्षसी प्रवृत्तीचे असतात, आणि बऱ्याचदा आपण पैशावरचं प्रेम लोकांचं जास्ती आहे असं दिसतं आपल्याला। त्यामुळं असं काही वागणं जर कोणाचं असेल तर बॅलन्स लाईफ जर नसेल तर थोडंसं बॅलन्स लाईफ करावं जेणेकरून दुःख कमी व्हावे, आणि ज्यांना पैशाचं खूपच प्रेम वाटत असेल, लोकांना लूटमार करून प्रॉपर्टी हडवून जर तुम्हाला त्यात आनंद मिळत असेल तर देवाच्या मते तुम्ही राक्षस आहात, आणि त्यामुळे तुम्ही ते बदललं पाहिजे। आणि बाकीच्यांनी सुद्धा पैशावर प्रेम न करता चांगल्या गोष्टी चांगलं काम करण्यावर लक्ष दिलं पाहिजे। परत एकदा गुढीपाडव्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। गुढेकरांचा आपण बंदोबस्त लावूया आणि एक नवी गुढी उभारूया, आणि या सर्वात भूमिपुत्र नक्कीच या संदेशाला मनावर घेतील असा विश्वास व्यक्त करतो। परत एकदा गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। परभणी 17 लोकसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आलमगीर खान इनकी प्रचार अभियान के लिए परभणी के अतिथि हॉल में आज प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आलमगीर खान सहित जिला प्रभारी डॉक्टर अनंत गायकवाड़, लोकसभा अध्यक्ष देवराव दादा खंदारे, जाफर खान मूसा खान साहब, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष प्रसेनजीत मस्के, बैजाबाई घोड़े, संजय शीत ऋतु, अनंत दीपके, इनके साथ परभणी लोकसभा के 6 प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। इस बार सोनपेट तालुका उसी तरह पाथरी विधानसभा में महान बाग वध बालाजी शिंदे, राजेश खंदारे, बापूराव किरोले, तुकाराम वाघमारे, महादू वाघमारे, बालासाहेब चौहान, विजय गायकवाड़, संदीप चौहान, साधन वाघमारे, सागर तुपसिंद्रे, जानकीराम वाघमारे आदि ने बहुजन समाज पार्टी में वंचित बहुजन आघाड़ी के माननीय आलमगीर खान साहब के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष देवराव दादा खंदारे, परभणी प्रभारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनंत गायकवाड़ ने जिला अध्यक्ष प्रसेनजीत मस्के की उपस्थिति में सार्वजनिक प्रवेश किया।
इस समय बैठक में सभी जिले के विधानसभा पदाधिकारियों के लोकसभा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए इसके लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कला कार्यालय सचिव समाधान पोर्ट भरे इन्होंने किया, तो समारोह लोकसभा अध्यक्ष देवराव खंदारे ने किया। एकजुट होकर हमको काम करना होगा, हमको टीम बनानी होगी। मैं अकेला लड़ नहीं सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से कि मैं आपके लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे कहा गया कि ये बाहर का व्यक्ति है। कौन सा बाहर का व्यक्ति है भाई? ये लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी अगर से चुनाव लड़ते हैं तो केरला से आकर लड़ते हैं, वो रहने वाले यूपी के। चाय वाला चुनाव लड़ता है तो गुजरात से निकल कर जाता है, वाराणसी से खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश से। माँ गंगा का बुलावा आया ये कहकर चले जाता है। यहाँ पर माँ धरती पर बनी कि मुझे भी बुलाया है। आदमी मतलब क्या देश के बाहर का है क्या? संविधान बदल देंगे ऐसे कहने वाले माधव जानकर के खिलाफ में आज तारीख 8 अप्रैल 2024 के रोज जाहिर निषेध करते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को दिया गया। दिए गए निवेदन पर भदंत मुदितानंद थेरो, आशीष वाकोड़े, संजय सारनीकर, नागेश दादा सोन पसारे, अर्जुन पंडित, बाला साहेब गोड़बोले, डी आर तुसुंदरे, यशवंत खाड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। सकाळी महादेव जानकर भारतीय राज्य घटना बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही वक्तव्य केलं होतं आम्ही जानकरांचा निषेध करतो। घटना बदलणं काही एवढं सोपं नाही किंवा घटना बदलणं ही काय तुमच्या बापाची मक्तेदारी नाही आहे। आणि जानकर तुम्ही हे लक्षात ठेवा, तुम्ही परभणीमध्ये आहात, परभणीमध्ये तुम्ही निवडणुकीला उभा टाकलेला आहात आणि बौद्ध समाज बहुजन समाज तुम्हाला कदापि माफ करणार नाही। ज्या राज्यघटनेच्या जीवावर आज तुम्ही इलेक्शनमध्ये उभा आहात आणि तीच तुम्ही जर बदलण्याची भाषा करत असाल तर हे निषेधी आहे। आम्ही तुमचा निषेध करतो आणि आम्ही सन्माननीय निवडणूक आयोगाला आज निवेदन दिलं आहे की त्यांचा फॉर्म रद्द करावा आणि त्यांना बाहेरचं पार्सल बाहेरच पाठवून द्यावं ही आम्ही सरकारला निवेदन दिलेलं आहे। किसी ने अदब से कह दिया पर्वत हमें, किसी ने अदब से कह दिया पर्वत हमें, हम तो वो है जो तूफानों का रुख बदल देते हैं। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आहत खान, भावी नगर सेवक, सुबेदार नगर, परभणी। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन, परभणी। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक, परभणी। परभणी शहर के अतिथि होटल हॉल में डॉक्टर अन्ना भाऊ साठे, क्रांति सेना के राष्ट्रीय नेता और डेमोक्रेटिक अन्ना भाऊ साठे के पोते सचिन साठे की मौजूदगी में जिला स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय नेता सचिन साठे ने कहा कि उन्होंने महाविकास के साथ गठबंधन किया है। आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए मैंने अपने राय रखी है कि मैं महाविकास आघाड़ी के साथ ही हूँ। इस बैठक के दौरान परभणी और हिंगोली जिले के मातंग समाज के बंधुओं ने सचिन साठे द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैठक में ये जानकारी देते हुए इस अवसर पर सचिन साठे, नाना साहेब शिरसागर, अशोक उपाड़े, मानिक कांबड़े, जिला अध्यक्ष विनोद गायकवाड़, भावगत डोंगरे, डीएन डॉक्टर कांबड़े, प्रकाश लालजारे, चंदू बागमारे, चंद्र बर्वे, साहेब गढ़का, नाथा रनबावले, सिद्धार्थ हनोटे आदि इस अवसर पर अन्ना भाऊ साठे क्रांति सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज या ठिकाणी परभणी जिल्ह्याच्या बैठकीच्या निमित्ताने मी आज परभणीमध्ये उपस्थित आहे। सुरुवातीपासूनच आम्ही राजकीय हेतू ठेवून डोळ्यापुढे ठेवून आम्ही काम करत होतो, कारण या देशामध्ये राजकीय न्याय समाजाला कधीही मिळाला नाही आणि अनुसूचित जातीच्या 29 मतदारसंघ जे विधानसभेचे आहेत आणि लोकसभेचे जे 5 मतदारसंघ आहेत या मतदारसंघाच्या माध्यमातून आमचा समाजाचा आवाज मांडणारा माणूस या विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या सभागृहात आम्हाला कधीही दिसला नाही आणि म्हणून आमची भावना होती की माझ्या समाजाचं मतदान माझ्या कामाला कधी येणार, माझ्या समाजाच्या कामाला कधी येणार आणि या भावनेतून आम्ही समाजाचा एक मानव हित लोकशाही पक्षाचा एक नावाचा एक पक्ष आपण स्थापन केला होता। पण या पक्षाला घेऊन पुढे जात असताना असंख्य अडचणींना आम्ही सामोरं गेलो,
आणि मग माझ्या लक्षात आलं की या देशामध्ये पक्ष घेऊन जात असताना ज्या पद्धतीनं या पक्षाला जी काही साधनं आणि सामग्री मिळायला पाहिजे, जी यंत्रणा समाजातून उभारायला पाहिजे, ती यंत्रणा त्या ठिकाणी उभी राहत नसल्यामुळं मी पुन्हा एकदा डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेची स्थापना केली आणि या संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर काम करतोय. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि समाजाला समाजाच्या मताचं महत्त्व कळवून देण्यासाठी आणि तसेच या ठिकाणी जे महाराष्ट्रभर जसं की आत्ताच लातूरमध्ये दोन घटना घडलेल्या आहेत, असे जे काही अन्याय अत्याचार होतात आणि महत्त्वाचा जो राजकीय अन्याय आमच्यावर होतो हा अन्याय दूर करण्यासाठी डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेची स्थापना केली. विरोधात मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. तमाम बरादराने वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक नासिर शरीफ शेख, भावी नगर सेवक एवं उप शहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस परभनी. अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, उप शहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी. सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, बहने, बुजुर्ग, बच्चे, इनको मेरी ओर से और मेरे पार्टी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से ईद मुबारक. खुदा हाफिज. जय हिंद. परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं. शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनप्पा, जिला नियोजन समिति सदस्य. दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. दरबार कंदोरी हॉल, कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तियाब है. उस्मान खान मिठाई घर, हर किस्म की मिठाई दस्तियाब है. मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94227179 पर संपर्क करें. पता दरगाह रोड, तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, परभनी. सैयद हसन, सैयद आदिल, सैयद आयन, तीन भाइयों का पहला रोजा पूरा. मदीना नगर के सैयद अजीज, सैयद खलील के तीन बच्चों ने, जिसमें सैयद हसन उम्र 9 साल, सैयद आदिल 8 साल और सैयद आयन 5 साल, इन्होंने इस्लाम की परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का पहला रोज़ा पूरा किया. इस पूरे किए जाने पर उनके दादा सैयद खलील, सैयद अब्बास, चचेरे भाई सैयद दादन, सैयद मुर्तुजा, पिता सैयद अजीज, दादी, दादा, माँ, मामा, उसी तरह भाई बहन सभी ने मिलकर मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि हमने ली हुई न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.